हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड विल सेल कैन कुड मे माइट ये जितने भी मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनसे शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में बताया था। नीचे मैंने पीडीएफ में एक्सरसाइज दी थी, आपने की होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से हैं, WH वर्ड्स, देखिए प्रोग्रेसिव इंग्लिश में हम इनको क्या कहते हैं, WH वर्ड्स नहीं कहते बल्कि इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के रूप में हम इनको संबोधित करते हैं। चलिए हम अभी आपको बता दें, जो WH वर्ड्स से यदि वाक्य प्रारंभ हो रहे हैं तो उनका हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे सेंटेंस है, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। ये देखिए सेंटेंस, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग स्पीच में वाक्य शुरू में क्या है, व्हाट। देखो इसको हम प्रोनाउन के रूप में भी लेते हैं, WH वर्ड्स को प्रोनाउन के रूप में भी लेते हैं, एडवर्ब्स के रूप में भी लेते हैं, डिटरमाइनर्स के रूप में भी हम लेते हैं। डिटरमाइनर्स को चाहे उसको आप एडजेक्टिव बोल लीजिए, डिटरमाइनर्स बोल दीजिए। डिटरमाइनर्स हम जब आपको बताएंगे तो उसमें उस डिटेल से बताएंगे उस चीज़ को, या क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी हम उसको लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, WH वर्ड के तुरंत बाद जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसका प्रयोग हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में करते हैं। और यदि यहीं पर यह सेंटेंस है, व्हाट आई से इज ट्रू, ये हमने सेंटेंस लिखा, वाक्य शुरू में क्या है, व्हाट। बच्चों यहां पर ये व्हाट क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये व्हाट यहां पर कंजक्शन है, क्योंकि व्हाट के बाद क्या है, सब्जेक्ट आया है। जब इस क्वेश्चन वर्ड के बाद, WH वर्ड के बाद, क्वेश्चन वर्ड नहीं बोलेंगे हम इसको, WH वर्ड के बाद यदि सब्जेक्ट आ जाता है तो ये WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, क्या होता है, ये कंजक्शन होता है। चलिए हम वापस चलते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, जब हम क्लॉज पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ये सेंटेंस, जब रिपोर्टिव स्पीच का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से या WH वर्ड से इंट्रोगेटिव होगा तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। मैंने उसमें भी थोड़ा सा हिंट दिया था आपको, शायद आपको ध्यान होगा। देखिए क्या करेंगे, पहला वही सेड या सेड टू को आस्क में बदलेंगे, सेड या सेड टू को आस्क। दूसरा कॉमा हटाकर WH वर्ड को ही कंजक्शन बनाएंगे, ये ध्यान देने वाली चीज है, वो ही कंजक्शन बनाएंगे। समझ गए, सेड या सेड टू को आज में हम चेंज करेंगे, चाहे सेड हो सेड टू हो हम आज में चेंज करेंगे। कॉमा हटाकर, देखिए जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव था तो वहां पर हमने क्या किया था, कंजक्शन इफ या वेदर लगाया था, पर यहां पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बनाएंगे। नंबर तीसरा, सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे, सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। जैसे हमने जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रश्नवाचक था तब हमने बनाया था, वैसे हम सेंटेंस को यहां पर भी असर्टिव बनाएंगे। जैसे हम देखते हैं, आई सेड टू को आस्क में हिम अब व्हाट। अब यह वाक्य वैसा ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट को हम पहले ले लेंगे, हिम को अकॉर्डिंग टू ही के चेंज कर देंगे, और डू को अंदर ले जाकर अब हम डिड में चेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वाक्य नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये मैंने पहले भी आपको बताया था, अब भी मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर हम सीधा क्या कर देंगे, सेंटेंसेस
वर्ब को हम सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। यदि यह सेंटेंस ऐसे होता, रीता सेड टू मुकेश कॉमा इनवर्टेड कॉमास डू यू नोट टेक टी डेली। सेट टू क्लास में, सॉरी, चलिए उसको मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम, क्योंकि हम क्वेश्चन वर्ड वाला बता रहे हैं। व्हाई डू यू नोट टेक टी डेली। ठीक है, यहां पर देखिए व्हाई डब्ल्यू एच वर्ड है, डू यू नॉट नोट का प्रयोग है। देखिए अब यहां पर हम डिड में चेंज करेंगे, रीता आस्ड मुकेश व्हाई, अब यू को हमने मुकेश के अनुसार चेंज कर दिया ही, अब डू को अंदर ले जाकर हम डिड में चेंज करेंगे, व्हाई ही डिड नॉट टेक टी डेली। अगला सेंटेंस देखिए, सी आस्क्ड मी ये पहले से देखिए आस्क हमने लिख दिया है, सी आस्क्ड मी कॉमा इन कॉमास वेयर डू यू लिव। सी आस्क्ड मी, आस्क्ड मी का आस्क्ड मी रहेगा, सी आस्क्ड मी वेयर, अब ये यू है, यू अकॉर्डिंग टू मी के चेंज होगा आई, और डू अंदर जाकर नोट में चेंज ना होकर यही सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, क्या हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड। आगे देखें सेंटेंस, कुछ सेंटेंस, आई सेड हु इज अविनाश। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हमारे पास क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के लिए हो, ये टू बी हो, वर्ब टू बी हो, और यहां पर नाउन या प्रोनाउन हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट होता है और ये कॉम्प्लीमेंट होता है। इस कॉम्प्लीमेंट को हम कंजक्शन बना देंगे, अगर सब्जेक्ट हम आगे लेकर इस वर्ब को पीछे लेकर जाएंगे, जैसे क्या होगा, आई आस्क्ड हु अविनाश वाच, पर यदि यहां पर हु सब्जेक्ट के लिए हो तो क्या होगा, सब्जेक्ट के लिए कैसे आएगा, ये देखिए, ही आस्क्ड मी कॉमा इनवर्टेड कॉमास हु इज मेकिंग ए नॉइस। ठीक है, यहां पर आस्क्ड पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ही आस्क्ड मी हु, अब यहां पर इज को यहीं पर हम वो रखेंगे, क्योंकि यहां पर इज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, और यहां पर ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद ये नाउन होगी, तो ये दोनों एक ही नाउन को व्यक्त करेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड भी, डब्ल्यू एच वर्ड भी, और ये नाउन या प्रोनाउन एक ही व्यक्ति को व्यक्त करेंगे, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट के लिए होगा, ये सब्जेक्ट होता है, पर यहां पर मेन वर्ब दी गई है, एक्शन वर्ब दी गई है, एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हम इसको इनवॉइस को आगे नहीं रखेंगे, ये वहीं रहेगा, हु वाज मेकिंग
ए नॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। यहां पर हु के लिए जब हु कंजक्शन आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, तो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि इसको हम आगे रखें या नहीं रखें, इसको हम सब्जेक्ट बनाए या नहीं बनाए। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, जब यहां पर वर्ब मेन वर्ब टू बी होगी, मेन वर्ब टू बी हो, टू बी मीन्स इज एम आर वाज वर और विल या सेल प्लस बी। अब इनके बाद यदि नाउन आया है तो वो नाउन और ये एक ही होंगे, तो इस नाउन को फिर हम नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। जैसे आगे सेंटेंस हम देखते हैं, सी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमास हु आर यू। ये हुआ ना, हु आया, हु के बाद टू बी वर्ब है, यू प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन और ये हु ये दोनों एक हैं, हु और यू दोनों एक हैं, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट के लिए आएगा और ये सब्जेक्ट होगा। इसलिए यहां पर हम इस सब्जेक्ट को हम असर्टिव सेंटेंस बनाने के सब्जेक्ट को आगे ले लेंगे। सी आस्ड मी हु, यू को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी के चेंज करेंगे हु आई वॉच। समझ गए, चलिए लिखिए, He said, comma inverted commas, which school do you read in? चलिए, which school do you read in? अब देखिए यहां पर helping verb है ये, और helping verb से पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। ये क्वेश्चन वर्ड विच स्कूल पूरा रहेगा और ये पूरा विच स्कूल ही कंजक्शन बनेगा। जैसे ही आस्ट, अब देखो वहां पर यू है और यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे मी, और कंजक्शन हमने लगा दिया विच स्कूल आई, यू को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चेंज किया आई, रीड सेकेंड फॉर्म रेड इन फर्स्ट ऑफ, ये विच स्कूल कंजक्शन है, विच स्कूल आई रेड इन। समझे बच्चों, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। I said, comma inverted commas, what happened? अब देखिए ये what ही non living noun के रूप में subject है और ये verb हो गई, क्या हो जाएगा, I asked what had happened, second form में had happened, had plus verb की third form, what had happened? ओके, लिखे, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमास व्हेन विल यू गिव मी योर बुक्स, व्हेन विल यू गिव मी योर बुक्स। She asked me, when को कंजक्शन बना देंगे, when you को according to me के I will को would में, I would give, अब ये me है first person का pronoun, she के अनुसार चेंज होगा her, you are second person है me के चेंज my books।
ओके बच्चों, ये हमने WH वर्ड्स को चेंज करना मैंने आपको बताया। इसकी मैं एक्सरसाइज नीचे PDF में दूंगा, आप लोग एक्सरसाइज आप सोल्व कीजिए। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी देकर आप लिख कर दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ पूछते हैं, जो भी कुछ जानना चाहते हैं, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। और इसका भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आए इसमें तो आप मुझे बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं आपका आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान करूँगा, पूरी तरह से मैं आपको कन्विंस करूँगा, पूरी तरह से मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ अगले वीडियो आने तक आपसे मैं विदाई लेता हूँ, धन्यवाद।